अच्छा हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कैक्टस सकुलेंट केयरिंग टिप्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं सकुलेंट्स काफ़ी अच्छे ग्रोथ हो रहे हैं, पर मार्च आ चुका है, इसमें गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। सकुलेंट्स को ज़्यादा टेक केयर की ज़रूरत है अब गर्मी में, क्योंकि सकुलेंट का सीज़न निकल चुका है विंटर्स का। तो इसमें आपने, मैंने तो ग्रीन हाउस में रखे हैं, और आपने ज़रूरी सबके पास ग्रीन हाउस हो, मोस्टली आपको थोड़ा शेड नेट में रखें, जैसे ग्रीन नेट होता है उसके नीचे रखें, सकुलेंट तो काफ़ी अच्छे ग्रोथ होंगे। और आपको चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका पॉटिंग मिक्स अच्छा होना चाहिए, तभी आपके सकुलेंट अच्छे ग्रोथ होंगे। देखिए मैंने तो सिंडर के मिक्सचर में लगे हुए, इससे पानी बिल्कुल नहीं रुकता है, और अच्छा इसमें मैंने पॉटिंग मिक्स यूज़ करने के बाद भी। सकुलेंट कभी कभी ख़राब भी हो सकते हैं, पर आपने निराश नहीं होना है और सकुलेंट लगाते रहना है। ये कुछ मैंने एचिविराज ग्रो रखे हैं छोटे से, उसमें जो बढ़ रहे हैं, पर लीव से प्रोपगेशन वाले लगाए हुए हैं, ये भी अच्छे ग्रोथ हो रहे हैं। अब मैं पानी का ध्यान रखना है, मार्च में मैं तो शावर से देता हूँ पानी, नहीं क्योंकि गर्मी बढ़ चुकी है, सुबह से और शाम के वक्त में ज़्यादा पानी देता हूँ मैं, एक टाइम दो दिन में एक बार। ये भी कुछ वैरायटीज़ है मेरे पास। मनी प्लांट को आप शेड में ही रखिए, इसे बिल्कुल धूप में न रखें तो ये ख़राब हो सकता है आपका। ये गोल्डन मनी प्लांट है, कुछ मेरे पे नीचे भी है मनी प्लांट, इनको भी शेड में रखिए। और सेंसिविराज आपने बिल्कुल शेड में रखना है, हल्की सनलाइट आ रही, बिल्कुल हल्की, ग्रीन हाउस में एक कोने में रखे हुए मैंने ये, ये भी अच्छे ग्रोथ हो रहे हैं, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती इनमें। ये भी सिंडर के मिक्सचर में लगे हुए हैं, पर इनमें सिंडर कम है और लीफ कंपोस्ट ज़्यादा है, क्योंकि इन्हें ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कुछ हैंगिंग भी बास्केट स्टडी कर रहा हूँ, और टेम्परेचर भी बहुत बढ़ चुका है इसके अंदर, ग्रीन हाउस के 35 है बाहर का, 30 टेम्परेचर है, 5% इंक्रीज है टेम्परेचर अंदर का, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा बीच में शावर करता रहता हूँ प्लांट्स में शावर, जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहे ग्रीन हाउस के अंदर का। तो देखिए कुछ कैप्सिकम्स लगे मेरे, ये मैंने शीट से ग्रोथ किए थे, कोकोपीट में मिक्सचर में लगे हुए थे। ये कुछ फिश बोन है मेरे पास, सेंसिविराज है, ये कुछ मैंने अगावेज लगाए हुए नीचे, ये भी सब कोई कोई डायरेक्ट सनलाइट में लगाता, पर मैं ग्रीन हाउस के अंदर रखे हुए हैं जिसमें सनलाइट बराबर आती है। जैसे मैंने इसमें लगाए हुए मिट्टी के, उसमें ये कोकोपीट में लगे मेरे कैक्टस, इसके लिए पॉटिंग मिक्स नहीं मिली मुझे। देखिए ये तो बड़े वाले जो पॉट में लगे कैक्टस हैं, कम से कम दो साल पुराने हैं, तो काफ़ी इसमें बेबीज ग्रोथ होते हैं, उनसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये सेम अगावे भी ऐसी हैं, इनमें भी साइड में पप्स निकलते रहते हैं, इनसे भी मल्टीप्लाई होते हैं, किसी किसी में फूल खिलने वाले हैं कैक्टस में। कुछ एयोनियम्स की वैरायटी है मेरे पास, जो कि ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है ना, ये इसको सीडम्स है मेरे पास, ये भी सीरम की वैरायटी है, ये जेली बीन्स है, ये फायर स्टॉर्म की वैरायटी है, ये भी जेली बीन्स की वैरायटी है आपकी, अभी आपने यही ध्यान रखना कि प्रॉपर सनलाइट मिले, और ज़्यादा प्रॉपर सनलाइट और प्रॉपर वाटर, इसी चीज़ का ध्यान रखना अपने सकुलेंट्स में भी इस गर्मी में, ना ज़्यादा पानी कम ज़्यादा होना चाहिए, ना पानी कम होना चाहिए, ना सनलाइट ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, इसी चीज़ का ध्यान रखें सकुलेंट आपके मेंटेन करना है आपने। अब कितना करना है ये आप मेरी और वीडियो में देख सकते हैं, जो कि मैंने डाली हुई इसी चैनल में, देखिए अगावेज हो रहे हैं, कुछ वर्थियास, एलोवेरा या यूनियम की वैरायटी रखी है मैंने, इसमें प्रॉपर ड्राई लीफ हटानी पड़ती है,
इन पर ड्राई लीव ना छोड़े प्लांट में बिल्कुल, तो प्लांट में मिली बग का अटैक इन पर हो सकता है बिल्कुल। देख रहे हैं बिल्कुल आप कितने बड़े हो चुके हैं मेरे आयोनियम्स। बरसात में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है आयोनियम्स में, क्योंकि इनमें फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है सकुलेंट्स में, ऑल ओवर सकुलेंट। तो आपने बिल्कुल ही सकुलेंट में बारिश के समय में पानी नहीं डालना है बिल्कुल, जब तक बारिश हो, क्योंकि मौसम में नमी बनी रहती है, सकुलेंट उससे अपना खाना बना लेते हैं। अगावेज लगे हुए हैं, कुछ मैंने ग्रो बैग में लगाए हुए हैं, देखो कोकोपीट में लीफ से प्रोपगेशन हो रही है, ये भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। कुछ मेरे पास क्या रसगुल्लास की वैरायटी, ये देखिए कितना बड़ा अच्छी विराज है मेरा, बहुत पुराना अच्छी विराज है, 2.5 साल पुराना अच्छी विराज है, सबसे पहले लाए थे सकुलेंट्स भी, वो अच्छी विराज है मेरे पास। अब तो मेरे पास इतने सकुलेंट्स हो चुके हैं, मेरे पे रखने की जगह भी कम पड़ रही है, क्योंकि जो फार्मूला मैं यूज़ करता हूँ उसी से अगर आप सकुलेंट ग्रो करेंगे तो सकुलेंट आप ईजी मल्टीप्लाई हो पाएंगे, ना कि मरेंगे। थोड़ा सकुलेंट का पेशेंस की ज़रूरत होती है, टाइम टाइम टू टाइम ने चेक करना, टाइम टू टाइम खाना देना, तो इससे सकुलेंट ज़्यादा इजी ग्रो होते हैं। काफ़ी अच्छी इसमें सनलाइट भी इंक्रीज हुई है। अगर आपको सकुलेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन इंक्वायरी हो तो आप पूछ सकते हैं वीडियो में कमेंट करके। और इस